ये तरह तरह के सेना पे सवाल उठा करके दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहे हैं, चीन के हाथों में खेल रहे हैं। कांग्रेस ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। इस देश के सामने आए चीनी संकट के समय कांग्रेस ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही है, जहाँ इनके नेता इतने अपरिपक्व हैं कि सेना के सफलता पर अंगुलियां उठाने लगे हैं, प्रधानमंत्री पे बार बार वार कर रहे हैं, जो कि विश्व में यह माना जाता है कि सारे देश के लोग एकमुखी होकर के दुश्मन का सामना करते हैं। पहले भी भारत के ऊपर संकट आए, बीजेपी विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने, यहाँ तक इंदिरा गांधी को अटल जी ने माँ दुर्गा से भी संबोधित किया था और इस प्रकार का एक स्टेटमेंटशिप दिखाई थी। लेकिन इस समय चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, ये तरह तरह के सेना पे सवाल उठा करके दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहे हैं, चीन के हाथों में खेल रहे हैं, निश्चित रूप से जो निंदनीय है। यहाँ तक अजमेर के कांग्रेसियों ने भी जिस प्रकार से ऐसे समय मोदी और अमित शाह का पुतला जला करके एक अपने ओछी और संकीर्ण राजनीति का परिचय दिया है, जनता इन सब को सबक सिखाने के लिए आगे आए, क्योंकि सारा देश इस समय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। हम सब भी ऐसे संकट के समय प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहें और हमारी सेना का मनोबल ऊंचा करें, और सेना जिस तरह से बहादुरी के साथ 14,000 वर्ग फीट ऊंचाई पर भी चीन के सैनिकों के दांत खट्टे करें, हमारे 20 लोगों को निश्चित रूप से हम नमन करते हैं, हमें पीड़ा भी है, लेकिन साथ में उन्होंने चीनियों को 43 लोगों को मार करके अपने शौर्य का परिचय दिया है। मैं समझता हूँ हम सब लोग मिल करके निश्चित रूप से देश के हाथ मजबूत करें, देश के प्रधानमंत्री के पीछे खड़े रहें और हमारे देश को यशस्वी बनाने में और विजयी बनाने में अपना योगदान दें।